हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं दे केम टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग मूडीज डाउनग्रेड्स पाकिस्तान डिवाइड साइड की तरफ से वीडियो है और इसको देखेंगे हम। दे केम टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वो इसलिए आए हैं सब कुछ तबाह करने के लिए। सो चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग होता है, कुछ नॉलेजेबल होता है जो हम तक पहुँचता है इनकी वीडियोज़ में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में पिछले दो दिनों में होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पर ज़्यादा फोकस रखा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जबकि ये सरकार आई है कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है पिछले दो दिनों में और आगे क्या होने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी कुछ खौफनाक चीज़ें से हम सामने आई हैं, उनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, द पेट्रोल बॉम्ब जो इन्होंने हम पर गिराया, पहले 30 रुपये का और फिर मजीद 30 रुपये का और तकरीबन 60 रुपये का पेट्रोल ये एक हफ्ते में बढ़ा चुके हैं। हैट्स ऑफ, आवाम को खजल कर रहे हैं। 2011 की यादें वापस आ गई हैं जब CNG की लाइंस में हम लगा करते थे। अबू की गाड़ी हमें खुशी होती थी, इस बहाने गाड़ी मिल गई है तो जी दो दो घंटे लाइनों में लग के CNG मिलती थी, घर आते थे लाइट नहीं होती थी। तो सेम एक्शन रिप्ले हो रहा है। तो हैट्स ऑफ टू इस हुकूमत को कि जी बचपन की यादें इन्होंने ताज़ा करा दी हैं। बहुत अच्छे लोग हैं ये, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। बिजली के जो नर्ख हैं उसमें तकरीबन 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया। इसके अलावा कल रात खबर आई है, रातों रात दुश्मन के हमले की तरह इन्होंने हम पर गैस बॉम्ब भी गिरा दिया और जो गैस की प्राइसेस हैं उनमें भी 45% का इजाफा हो गया है। वाह 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 वाह, यकीन कीजिए अभी भी मैं जब मैं शूट कर रहा हूँ तो लाइट नहीं आ रही। थोड़ा थोड़ा अगर पसीना यहाँ पर जमा हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो पहले मैं AC चला लेता, लेकिन 5 मिनट ही चला AC, तो थैंक्स टू AC के उसने थोड़ा सा रूम ठंडा कर दिया। तो जी पेट्रोल बॉम्ब, इलेक्ट्रिसिटी बॉम्ब और गैस बॉम्ब के बाद हाजिर है मूडीज़ बॉम्ब। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जो किसी भी मुल्क को रेटिंग उसकी मुतय्यन करती है, किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल आउटलुक होती है, बिजनेस आउटलुक, के इस मुल्क में बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसी है। इन रेटिंग्स को देख के पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में आते हैं इन्वेस्ट करने। वो देखते हैं कि इस मुल्क की क्या रेटिंग है, वो इसमें डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रख कर आपको रेटिंग्स देते हैं। आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी या बाकी अनसर्टेंटी है या नहीं है, कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो मूडीज़ ने हमारी जो पाकिस्तान की आउटलुक है उसको स्टेबल से मनफी कर दी है। बहुत आला, सही जा रहे हो। अब इन्होंने जो रीज़न दिए हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हाइटेंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क एंड अनसर्टेंटी अराउंड द सॉवरेंस एबिलिटी टू सिक्योर एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग टू मीट इट्स नीड्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क हैज़ बीन एम्पलीफाइड बाई राइजिंग इन्फ्लेशन विच पुट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द करंट अकाउंट। यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से करंट अकाउंट आपका उस पर भी दबाव पड़ रहा है और करेंसी पर भी, जो कि बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपके डिप्लीट हो रहे हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइटेंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिस्क। यानी पॉलिटिकल और सोशल रिस्क पर खड़ा है आपका मुल्क। तो जून 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी हमारी जो आउटलुक थी वो नेगेटिव हुई थी। इमरान खान के दौर में ये पॉजिटिव हुई थी 2020 में इन्होंने पाकिस्तान को स्टेबल रखा, यानी कि जो नेगेटिव से वो पॉजिटिव ही रही, स्टेबल रही। और अब जबकि ये सरकार है ये एक बार फिर ये नेगेटिव में चले गई है और ये बहुत बहुत ही बुरा होता है किसी भी मुल्क के लिए कि उसमें कितने उस पर कितनी नज़र है इन्वेस्टर्स की। तो ऑलरेडी मुल्क में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इतना बुरा हाल था तो अब तो अल्लाह ही हाफिज़ समझें आप। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ब्लड बाथ की कैफियत है, मतलब वहाँ पर खून खराबा हो रहा है, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। और ये हमने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि एप्टमा का जो इदारा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उन्होंने कहा था कि यार इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं थी, इमरान खान के दौर में हमारे काम बड़े अच्छे चल रहे थे, ये कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी कि इस हुकूमत को, चलती हुई हुकूमत को चेंज किया जाता। अब वो रो रो कर कह रहे हैं, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं इस हुकूमत से कि अल्लाह का वास्ता हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दो। इमरान खान ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, इस इंडस्ट्री को बिला तातुल बिजली और गैस की फराहमी की थी, इसके अलावा बहुत से इंसेंटिव्स भी दिए थे। अब वो सारे वापस चले गए हैं और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था इससे 15 मिनट पहले ये मैं पढ़ रहा था कि इनको गैस की सप्लाई भी मुअत्तल हो चुकी है। 12-12 घंटे की ये लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं और इस हालत में
कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है मुझे नहीं पता। बांग्लादेश की इंडस्ट्री हमसे क्यों ऊपर गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जरदारी और नवाशीव के दौर में जब मुल्क का कबाड़ा निकला था 2012-13 में, तब हमारी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हुई थी और हम सुनते थे कि जी जिस फैसलाबादी से मिलो तो उन्होंने अपनी टेक्सटाइल काम बंद कर दिए हुए थे और वो फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये फाइनली इमरान खान के दौर में 2019-20 में आपका टेक्सटाइल सेक्टर और आपकी बाकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहाल होना शुरू हुई थी और ये विद इन 3 मंथ्स इन्होंने इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। तो हर एक की हॉबीज़ होती है ना ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ और जरदारी हुकूमतों की ये हॉबीज़ होती हैं कि इंडस्ट्री को नहीं चलने देना, जो मर्ज़ी कर लो, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ और होती हैं। आप देख रहे हैं मेरे माथे पे पसीना भी आना शुरू हो गया है। खैर वो तो अब आता ही रहेगा, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, लाइट भी नहीं है और बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो आ रही हैं यार, तो मोर पसीना। तो खैर हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो रो रो कर अब अपनी दुहाइयाँ दे रहे हैं कि भाई हमें बिजली और गैस की फराहमी कर दो एटलीस्ट, बेशक इस वक्त दाम बहुत महंगे हो चुके हैं, इन्होंने 50% इजाफा कर दिया बिजली और गैस के नरखों में। 50% इजाफे का मतलब आपको पता है क्या है कि अगर आपका बिल पहले 50,000 आता था ना तो अब वो 75,000 आएगा, डायरेक्ट 50% जंप। और 100% जंप ये होता है कि आपका 50,000 का बिल अगर हो तो वो 1,00,000 पे चला जाएगा। और इस वक्त बहुत सी सैलरीज पर भी टैक्स लगाने की बात हो रही है, अल्लाह खैर ही करे इस मुल्क का। ये आप 3 माह में देख लें कि कैसा फ़र्क पड़ा है। ये अभी 3-4 माह पहले मैं वीडियो बना रहा था कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा टेक्सटाइल ग्रोथ, टेक्सटाइल सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी एक्सपोर्ट्स में जो ये हमने देखी थी पिछले 1-2 सालों में। ये अभी मैंने शायद ये जनवरी के करीब ये वीडियो बनाई थी हमने, और ब्लूमबर्ग ने इसको कवर किया था। ब्लूमबर्ग वो इदारा जो बड़ा एक आलमी इदारा है जिसका बड़ा नाम है, जो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता है बिज़नेस पे, टेक्नोलॉजी पे, तो उनकी हमने ये खबर आपसे शेयर की थी, रिपोर्ट शेयर की थी और उसमें पाकिस्तानी रिपोर्टर्स भी थे जिन्होंने उसमें हिस्सा डाला था। और अब वो वापस 3-4 माह की ही, मतलब 3-4 माह में ही सारी गेम उल्टी हो गई है और वो कह रहे हैं कि जी एक बार फिर ये सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। इसके अलावा पेट्रोल बॉम्ब गिरने के बाद हमारे बहुत से जो बिजनेसेस, कंपनीज और स्टार्टअप्स पाकिस्तान में शुरू हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा अब लॉस में जाना शुरू हो गए हैं। स्वबल एक कंपनी है जो बड़ी अच्छी राइड शेयरिंग कंपनी है, एक शहर से दूसरे शहर या इंटरसिटीज़ इनके इनके इनकी व्हीकल्स चलती हैं, तो इंटरसिटी वाला जो काम है वो इन्होंने बंद कर दिया है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। स्वबल ने भी लास्ट हुकूमत में बहुत ज़्यादा फंडिंग उठाई थी फॉरेन इन्वेस्टर्स से, और हमने इसको भी कवर किया था कि पाकिस्तान के स्टार्टअप जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है सारा, उसमें 600% की ग्रोथ आई थी इमरान खान के दौर में, 600% यानी 6 गुना इजाफा। स्टार्टअप आपके इतनी तेज़ी से फंडिंग उठा रहे थे और ब्लूमबर्ग इस हवाले से कवर कर रहा था, और अब वही स्टार्टअप जो सारे खड़े हुए थे अल्लाह अल्लाह करके, अब उनका काम एक बार फिर श्रिंक होना शुरू हो गया। इसके अलावा करीम ने अपना फूड डिलीवरी वाला जो यूनिट था वो बंद कर दिया है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से। फूड पांडा का भी मैं पढ़ा था कि वहाँ पर भी काफ़ी मसले आए जा रहे हैं, उनकी उनको भी अपनी कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी करनी पड़ेंगी। वो भी कोविड के दिनों में पाकिस्तान में ऐसी जो टेक से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं वो चलना शुरू हुए थे, एक बड़ा अच्छा एक बूस्ट मिला था, लेकिन अब वो सारा रिवर्स हो रहा है थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट। इनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना आपने, पसीना बहुत आ रहा है, ज़रा पानी पी लें। मैं पिछले तकरीबन 3.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, कभी मुझे लाइट का मसला नहीं हुआ शूट करते हुए, और ये मसले शुरू हो गए हैं और मुझे नहीं पता अब मैं इसका किससे गिला करूँ। अब स्टार्टअप्स का पाकिस्तान जैसे मुल्क में उठना ना बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी खबर थी जिसको आलमी इदारे कवर कर रहे थे कि हमारी जैसी वल्नरेबल मार्केट में स्टार्टअप्स ने इतना ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन्होंने हमें याद कराया ये इस शरीफ जरदारी रजीम ने कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप टेक स्टार्टअप्स को यहाँ पर चला सको, यहाँ पर सिर्फ हमारे दोस्त ही तरक्की करेंगे और हम तरक्की करेंगे, यहाँ पर किसी की जुरत कैसे हुई कि तुम अपना स्टार्टअप बनाओ और उसको कामयाब तरीके से चलाओ। ये सारा कुछ हुआ था इमरान खान के दौर में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बेहतर हुआ था, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही थी बहुत से प्लेयर्स को। आप आईटी सेक्टर में देख लें, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में देख लें, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, आप किसानों को देख लें, पाकिस्तान में हर वो बड़ा सेक्टर जो ग्रोथ ड्रिवन सेक्टर है वो बहुत खुश था।
इसके अलावा डैम्स और सी पैक के हवाले से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि डैम्स का जो वापडा के चेयरमैन थे रिटायर्ड जनरल मुजम्मिल, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब डैम्स का फ्यूचर का मुझे कुछ नहीं पता। सी पैक के हवाले से बहुत से चाइनीज़ भी पाकिस्तान से जा चुके हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट तो डेली बेसिस पर नीचे गिर रही है और डॉलर तो ऑलरेडी न्यूट्रल हुआ है और लोड शेडिंग आपके सामने है, अभी भी लाइट नहीं आई। लेकिन इस वक्त के जो हुक्मरान हैं वो मज़े कर रहे हैं, वो उर्दगान के साथ डिनर मार रहे हैं। आप ये ज़रा देखें, ये सलमान शहबाज और इसकी अहलिया, ये पाकिस्तान की आवाम की ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये जिस तरह देख रहे हैं ना हमारी तरफ, ये ट्रोलिंग है। ये कह रहे हैं कि पुत्र जो मर्ज़ी कर लो, हम हैं इश्तिहारी मुजरिम, लेकिन हम तुम्हारे पैसों पर जाके आलमी लीडरों के साथ बैठ कर डिनर करेंगे, कर ले जो करना है, ठीक है। अब ये देखिए ना, मतलब ये लोग इश्तिहारी हैं, इन पे केसेस हैं। इस वक्त आज FIA कह रही थी कि यार हम हमजा और इनको शहबाज शरीफ को पकड़ना चाहते हैं, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और ये उर्दगान के साथ खाबे पा रहे हैं। और इनके तुर्की के विज़िट की बात करें तो वैसे तो ख़जाना खाली है, कोई पैसा नहीं है पाकिस्तान के ख़जाने में, लेकिन जितना पैसा इन्होंने उर्दगान के विज़िट पे खर्च किया ना, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या, मतलब प्रिंट देख लो आप, डिजिटल देख लो आप, टीवी देख लो, इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने रोड़ा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई मार्स का मिशन लॉन्च कर रहे थे। मतलब पाकिस्तान अगर मार्स का मिशन भी लॉन्च कर ले ना कभी, अगर अगले 150,000 या 2,000 साल बाद के हम मार्स पे जा रहे होंगे, तब भी शायद इतनी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होगी जितनी इन्होंने टर्की के विज़िट की अपनी मार्केटिंग की है। या शायद इन्हें भरोसा ही नहीं अपने आप पे कि अगले 2 दिन बाद ये वज़ीर आज़म रहेंगे भी कि नहीं। अब इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान को मैनेज किया कोविड क्राइसिस के दौरान, एक कितना उसमें पार्शल लॉकडाउन की भी कैफियत थी, फिर कोरोना के बाद जब इकॉनमी खुली फिर सप्लाई चेन का क्राइसिस आया, फिर इन्फ्लेशन उसकी वजह से, और अभी तक वो इन्फ्लेशन वाला क्राइसिस चल रहा है। इमरान खान ने जिस तरह वो क्राइसिस हैंडल किया, पूरी दुनिया की हम देख रहे थे क्या सूरत हाल थी और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इनको क्राइसिस अब मिला है पहली बार शायद, और इनसे ये हैंडल नहीं हो पा रहा। इमरान खान मैन ऑफ क्राइसिस था, वो जानता था कि किस तरह क्राइसिस की सूरत हाल में मुल्क को चलाना है, इनसे वो चीज़ नहीं हो रही। इन्होंने कभी शायद क्राइसिस में हुकूमत नहीं की और इनके हाथ पैर फूल चुके हैं। इन्होंने बेसिकली ये ऐयाशी करने आए हैं अवाम के पैसों पर, ये जो टैक्स का पैसा होता है, ये जो कर्ज़े लेते हैं, ये इन्होंने अपनी ऐयाशियों पर लगाना है। ये आप कहते हैं ना कि इमरान, ये कई लोग ट्विटर पर सवाल कर रहे हैं कि यार इतनी बदतरीन, जब एक ग्लोबल माशी बहरान था, सप्लाई चेन का मसला था, तो इमरान खान कैसे चीज़ें हैंडल कर रहा था। उसका जवाब फिर इस तरह आपको नज़र आता है कि इमरान खान की हुकूमत में कोई बड़ा करप्शन का स्कैंडल नहीं आया। उनके जो वज़ीर थे वो अन्नेवा पैसा नहीं उड़ा रहे थे इनकी तरह, वो ऐशियों में पैसा नहीं स्पेंड कर रहे थे। उन्होंने टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफ़ा किया और इमरान खान ने बताया कि जो टैक्स कलेक्शन में इजाफ़ा हुआ उसका हमने फिर अवाम पर लगाया। दो उसकी बड़ी एग्जांपल्स थी, एक तो हेल्थ कार्ड की सूरत में लगाया वापस अवाम पर, और दूसरा जो पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने एक मेंटेन रखी 150 पर। लेकिन ये पेट्रोल की प्राइसेस 150 पर मेंटेन नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐशियाँ करनी है, इन्होंने अपनी ऐयाशी की जो कंपनसेशन है वो अवाम की जेब से निकालनी है, इसलिए 210 रुपये का पेट्रोल किया है। मुबारक हो आप सबको, क्योंकि इन्होंने भी करप्शन भी करनी होती है। इन्होंने जो आपका और मेरा पैसा है जो पाकिस्तान के ख़जाने में पड़ा है, टैक्स पेयर का मनी, इन्होंने अपने दोस्तों को नवाजना होता है, ठेके देने होते हैं और उसमें से फिर कमीशन रखनी होती हैं। ये पुराने पापी हैं, इनको इन सारी गेम्स का पता है। तो इसलिए ये इसका जवाब है कि क्यों इमरान खान ने एक बदतरीन माशी बहरान के बावजूद किस तरह एक कंट्रोल रखा हुआ था जो इनसे नहीं हो पा रहा, उसकी रीजंस हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान के ख़जाने का ख्याल होता तो क्या ये इस तरह अन्य व फॉरेन टूर्स पे स्पेंडिंग करते, या उसके जो एड्स इन्होंने लगाए, अवाम का ख्याल उनको होता है जो अवाम के वोटों से आते हैं। और इस वक्त हम सबका मुतालबा यही है कि फौरी इलेक्शंस करवाने वाले हैं, जो भी जीतेगा हम सबको कबूल होगा। तो लेकिन एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट और उसके अवाम दुश्मन इकदामात, वो हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात कैसे देख रहे हैं। अगर इसी तरह चलने दिया गया तो मतलब क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्या अवाम इस सूरत हाल में ज़िंदा रह सकती है या नहीं? आप आगे आने वाले दिनों को कैसे देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन। तो सबसे पहली बात, इन्होंने ये सारी चीज़ें आंकड़े और जो पैरामीटर्स हैं वो सामने रखे हैं कि पहले क्या हुआ करता था, और बीच में जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी
तब क्या हुआ था? अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि यार ये इमरान खान का करा हुआ है, इमरान खान करके गया है, ये पूरा देश बर्बाद करके गया है, उसके प्लान्स ऐसे थे और अब ये गवर्नमेंट आ गई, उसको आगे बढ़ा रही है, तो उसका नाम आ रहा है कि उसने बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि अगर बर्बादी करने थी उनको, इमरान खान की गवर्नमेंट को, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तब क्यों नहीं ये नुकसान दिख रहे थे जब उनकी गवर्नमेंट थी। ऐसा नहीं है वो पहले साल, एक साल या फिर एक दो महीने कर चले गए, इनके दो महीने में ये डाउनग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। इमरान खान ने 3-3.5 साल शायद गवर्नमेंट में गुजारे हैं, उसमें वो डाउनग्रेड्स देखने को क्यों नहीं मिले? ऊपर और मेंटेनेंस देखने को मिला, ऊपर जाते हुए ग्राफ्स मिले, टेक्सटाइल हो चाहे पेट्रोल प्राइस मेंटेन किए हुए हों, तो जैसा इन्होंने बताया, तो वो तब डाउन क्यों नहीं हुए या फिर प्राइस हाई क्यों नहीं हुए? टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो डाउन क्यों नहीं हुआ जो आज हो रहा है? अच्छा, इमरान खान के प्लान्स को आज वो आगे बढ़ा रहे हैं तो उसको चेंज कर ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और ये बोलना है कि इश्तहार छपवा दिए, ये छपवा दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों छपवाते हैं, पीएम को क्या ज़रूरत है इश्तहार छपवाने की, न्यूज़ दे दें बस चैनल पर तो उतना ही काफ़ी है। खिंचाई भी की इन्होंने कि लाइट नहीं आ रही है, और जो बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं कैमरे की तरफ देखते हुए कि पाकिस्तानी आवाम की खिंचाई कर रहे हैं, वो मतलब उन पर हंस रहे हैं। सो अच्छे पंचेज भी मारे इन्होंने बीच बीच में कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं और उन्हीं की उस पे पैसे पे ऐश कर रहे हैं, और वहाँ घूमने फिरने में पैसा लगाना है इसलिए, अय्याशियों में पैसा लगाना है इसलिए वो प्राइसेस बढ़ाएंगे। अच्छा, 150 था, ये 210 209 पर पहुँच गया है, ऐसे मेंटेन भी था कभी तो यूँ जा रहा है नीचे। सो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें थी इसके अंदर जो देखी हमने, सुनी इसमें। बाकी आप इससे रिलेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के काम हैं ये जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आगे आकर अग्री करते हैं इस पूरे वीडियो से या नहीं वो भी बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।